ये बात फिर मतलब मुझे बिल्कुल, ये बात तो फिर मतलब समझ लीजिए कि आप मेरे लिए बिल्कुल बदल दी मेरी जिंदगी इसी बात से। ये बात बिल्कुल मुझे समझ में आ गई आपको कि मैं सोचने पे अपने, मजबूर, सोचने पे आपको मजबूर कर दिए सब बातें। हाँ तो अब फिर मैंने कुछ और भी मुस्लिम लोगों से पूछा, तो वो मुस्लिम लोग कहे कि अरे तुमको नहीं पता, पता नहीं क्या क्या तुम पूछ रहे हो, ये तमाम देखो बाकी मजहबों को देखो, उस मजहब में ये है, उस मजहब क्रिश्चियनिटी में ये है, और ज्यूइज्म में ये है। मेन उनका टारगेट होता था क्रिश्चियनिटी या ज्यूइज्म, वो तो बुद्धिस्ट और हिंदू को जानते ही नहीं है, वो ज्यादा लोग तो जानते ही नहीं है, तो उनका मेन हाँ टारगेट रहता है क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज्म, देखो उसमें ये फ्रॉड है, उसमें ये गलत है, उसमें वो सारे वो गलत हैं। तो ये बात मैं आके बोला यार वो तो सारे रिलीजन गलत हैं, तो कह रहा कि ये कौन, ये आप जब वो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि बाकी सारे मजहब गलत हैं, तो उनसे एग्जाम्पल क्यों, जब वो पहले टैग लगा चुके हैं कि वो काफिर हैं, उनकी सारी बुक फ्रॉड है, उनके भगवान गलत हैं, उनके सब कुछ गलत है, मतलब उनके अल्लाह गलत हैं, उनके गॉड गलत हैं, उनके सब कुछ गलत है, तो फिर ये क्यों, उस बुक से एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है, सही बात है, आप मैच उनसे क्यों कर रहे हो? जब जब आपने पहले ही टैग लगा दिया है कि सारे हिंदू काफिर हैं, उनकी उनके सारे भगवान झूठे हैं, क्रिश्चियनों के सारे गॉड झूठे हैं, उनकी बुक झूठी है, यहूदियों की सारी बुक झूठी है, सब सब झूठी है, शिया लोग झूठे हैं, अहमदिया लोग झूठे हैं, जब सब झूठे ही हैं, तो फिर उनसे एग्जाम्पल लेने का क्या मतलब है। तो उसने कहा कि क्या झूठी बुक से एग्जाम्पल लेते हो क्या किसी चीज का, जो आपने डिक्लेयर कर दिया है कि ये बुक झूठी है, तो झूठी बुक से कैसा एग्जाम्पल कोई भी चीज का। बराबर। यही बात बिल्कुल मुझे समझ में आ गई कि हाँ भाई जब वो लोग ये मुस्लिम लोग मुझे हर बात पे मुझे ना उन्हीं की बुक से एग्जाम्पल देते थे, तो वो मुझे वो बताया कि देखो ये आपका जाकिर नायक है, वो भी एग्जाम्पल देता है इन्हीं बुक से, तो जब वो ये बुक सारी गलत है, तो फिर कैसे इसमें एग्जाम्पल, तो मतलब ये सारे। फिर उसने एक चीज मुझे और बताई मुझे कि आपको ये नहीं पता होगा कि इस्लाम का जो ये लोग आपको झूठ बोलते हैं ना कि इस्लाम का मतलब सिर्फ अल्लाह से है, तो कहा कि नहीं ये भी झूठ है, तो उसने कहा कि ये तो ये कैसे झूठ है, तो उसने बताया कि एक खुदा को तो यहूदी भी मानते हैं, एक खुदा को क्रिश्चियन भी मानते हैं, और इवन जो शिया होते हैं वो तो अल्लाह को भी मानते हैं, वो तो रमजान भी रखते हैं, हज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, जकात भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो काफिर हैं। तो मैंने फिर कहा फिर क्या, तो कहा कि नहीं, ये एक अल्लाह का कंसर्न ही नहीं है, वो तो बस को वो उसने मतलब एक एक उसने मतलब हंसी की बात की, मतलब उसने कहा कि वो तो फर्स्ट प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, कहा कि अल्लाह तो फर्स्ट फर्स्ट प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, वो अल्लाह को सामने, उनको पता है कि अल्लाह तो सामने कभी आएगा नहीं, तो जितना चाहो उतना बेचते रहो उसको, तो मतलब वो कहा कि वो फर्स्ट प्रोडक्ट है, बाद में आपको ये सारी आखिरी नबी की बातें बातें मनानी होती हैं इनको। उसने कहा कि वो कुछ नहीं है, वो तो बस एक स्टार्टिंग शगुफा है, वो कहा कि देखो जीसस क्राइस्ट की हर जगह फोटो बनती है, कभी ये लोग कोई हंगामा करते हैं मुस्लिम लोग, कभी नहीं करते हंगामा, लेकिन अभी अगर मोहम्मद की फोटो बन जाए तो सबको मार काट कर देंगे ये लोग, तो अगर ये लोग ईसा को भी उतना ही लव करते हैं, तो क्यों नहीं लोग मार काट करते हैं ईसा की फोटो पे। सही बात है। वो मतलब वो कहा कि अगर ईसा भी इनके इतने ही लवर हैं, ईसा इतने इनके प्यारे हैं, तो ईसा के फोटो पे क्यों ये लोग नहीं कुछ बोलते। तो इन वो बताया कि इनका कंसर्न ना अल्लाह है ना ना सारे नबी है, इनका सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंसर्न होता है, वो एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट है आपको सेल करने के लिए, वो बाद में आपको ये जो है ये आखिरी नबी पे लेके आ जाएंगे, बस ये स्टार्ट करेंगे कहीं और से, लास्ट में आपको, और फिर एक चीज और उसने और बताया, बाद में आपको ये लोग मक्का को हेडक्वार्टर बनवा देंगे, यानी ऑटोमेटिकली आपको मक्का को हेडक्वार्टर बनाना ही पड़ेगा, जब आप इनकी बातों को मानते मानते आप वहां तक पहुंच जाओगे कि आपको मक्का को हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा, बस खत्म, यही यही इनका एम है। वो एक चीज वो लेके चल रहे हैं कि लास्ट में सबको लाना जो है वो मक्का की तरफ ही है। हाँ तो मतलब उसने कहा कि अल्लाह तो नहीं आ रहा है ना बताने के लिए कुछ भी, अल्लाह तो कुछ कहने के लिए नहीं आ रहा है कभी, उनको पता है कि अल्लाह तो कभी आएगा नहीं, तो पहले तो वो उसने एक मुझे बताया कि देखिए यहाँ पे पहले अरब पेनिनसुला में पहले पहले छोटे छोटे पहले क्या कबीले होते थे, तो उनके बहुत सारे गॉड होते थे, तो पहले पहले झगड़े होते थे, तो उनके बीच में पहले एक कॉन्सेप्ट दिया मूसा ने दिया कि पहले एक गॉड कर दो, पहले एक गॉड कर दो तो शायद झगड़ा खत्म हो जाए कबीलों का, तो जब गॉड पे बात हाँ खत्म हो गई तो फिर गॉड पे झगड़ा खत्म नहीं हुआ, फिर वो अपनी बात मनवाने के लिए वो नबी को लेके बीच में आ गए,
कहे कि ये बेसिकली उसका ये कहना था कि ये सारा जो जो बीज डाला गया है ये यहूदियों का डाला हुआ है, और इसको काउंटर करने के लिए मदीना के लोगों ने फिर ये अपना नबी गढ़ा। और वही नहीं तो वो कहा कि अगर एक अल्लाह नहीं प्रूफ कर रहा कि आप, मैं सुना हूं कि आपके कंट्री में बहुत सारे गॉड होते हैं, तो जब एक गॉड नहीं प्रूफ है तो हो सकता है कि बहुत सारे गॉड भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे गॉड आपस में कंप्रोमाइज किए हों कि ये डिपार्टमेंट मुझको देना है, ये डिपार्टमेंट मुझको देखना है, वो ये, तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर बहुत सारे गॉड होंगे तो आपस में झगड़ जाएंगे। वो बात वो मुझसे ये कहता कि वो बेसिकली वो अपनी बात कहते हैं वो लोग, कि जो अपनी जो जो बहुत सारे गॉड को लेकर जो अपना झगड़ा करते थे वो लोग, वो उसको गॉड पे डाल दिए वो लोग कि अगर एक गॉड होगा तो फिर झगड़ा नहीं होगा। लेकिन बाद में एक गॉड से भी बात नहीं बनी, और कहा बाद में एक गॉड से भी बात नहीं बनी, फिर एक नबी से भी बात नहीं बनी उसने कहा। फिर कहा जब लास्ट नबी आ गए तो बहुत सारे फिर के बन गए। अब देखिए ये हो गया, करा कि ये भी इन लोगों का जो एक्सपेरिमेंट था फेल हो गया। लेकिन अब ये है कि अब भाई अब जब फैल गया है, हम लोगों को मक्का से इतना पैसा मिल रहा है, इतना हम लोगों को, तो हमको क्या जरूरत है इसमें, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए एक इंसान को, एक कंट्री को, और क्या चाहिए एक मुल्क को, और क्या चाहिए? अल्लाह आ रहा है क्या बताने के लिए कि मैं, मेरा यहाँ घर है? उसका ये कहना था कि अल्लाह का घर है तो अल्लाह आ रहा है क्या वहां पे? अल्लाह बता रहा है क्या पूरे दुनिया वालों को, क्या दुनिया के स्काई में अल्लाह ऐलान कर रहा है क्या कि देखो दुनिया वालों मेरा वहां घर है? तो जब है तो ठीक है, लोग आ रहे हैं, लोग यहाँ पे बता रहे ही टोल में कि $70 बिलियन पर ईयर मिलता है हज करने से, हज और उमरा से, तो कर इतना पैसा मिल रहा है तो ठीक है, आई एम मुस्लिम, नो प्रॉब्लम, मुझे मैं मुस्लिम हूँ। तो बोला मुझे कहा इतना पैसा और इतना रिस्पेक्ट मुझे मिल रहा है, मैं मुस्लिम हूँ एग्जैक्टली। तो कह रहा कि आप भी अगर अरब में पैदा हुए तो आप भी मुस्लिम होते, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो इतना पैसा मिल रहा है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं साहिब, मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी समझ रहे हैं, हाँ जी आप कंटिन्यू करिए। मैं व्यूअर से बता दूं, मैं अपने लाइफ में कभी भी रिलीजियस नहीं था, मैं बाद में भी रिलीजियस नहीं था। ये सारी मेरी जो बातें मेरी उन लोगों से डिस्कशन होती थी, मैं सारी वो बातें बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे तो मुस्लिम आपको कुछ भी बताएंगे तो, और वो लोग तो यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक कन्वर्टेड मुस्लिम मानते हैं और एक फॉलोअर मानते हैं उन लोगों का, और कुछ नहीं मानते इसके अलावा। वो जो भी अथॉरिटी है वो उन लोगों के पास ही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने सलमान, ये क्या नाम, प्रिंस सलमान ने भी डिक्लेयर किया कि कुछ हदीसें वो मोहम्मद बिन सलमान क्या, जी जी, अब यहाँ के कोई जो जो यहाँ के उलेमा है क्या कभी ऐसा बोल सकते हैं यहाँ के उलेमा ओपनली कि नहीं हम ये हदीसें नहीं मानेंगे? अथॉरिटी उनके पास ही है ना। जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश को चेंज करने की अथॉरिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास है, संस्कृत को चेंज करने की अथॉरिटी इंडिया के पास है। देखिए जैसे योगा अगर कोई और कंट्री लेके गई होती यूएन में तो शायद वो लोग पास नहीं करते, क्योंकि इंडिया से गया था वो, इसलिए क्योंकि जो आपका ओरिजिन है वहां से पास होगा। तो अगर सऊदी अरब जो चीज सऊदी अरब चाहेगा वही मानना पड़ेगा इनको, ये लोग फॉलोअर हैं। वो उसने कहा मुझे कि वो सब तो फॉलोअर हैं हम लोगों के, उनसे क्या मतलब है? सही बात है। तो ये सारी बातें मतलब थी। तो ये सब बातें होने के बाद अफगानी जो मुझे तो बिल्कुल मेरा तो मन नहीं लगा, बिल्कुल मैं बहुत ही परेशान हो गया मैं वहाँ पे यार। फिर मैं अपने घर पे आके बताना शुरू किया तो फिर बात ये हुई, जब वो लोग बात जब मेरे क्या बोलते हैं मेरे साले तक पहुँची, तो मैं बता देना चाहता हूँ व्यूअर से कि मैं वहाँ पे ही अरेस्ट हो गया होता, मैं वहाँ पे ही अगर, लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ा मेरे साथ पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मैं कहीं भी ऑफिशियली मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, मैंने कहीं भी ऑफिशियली मैंने डिक्लेयर नहीं किया था। तो अगर वो लोग मेरे ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगाते और पुलिस को बुलाते, अगर अरबी पुलिस को बुलाते तो अरबी पुलिस क्या करते? वो तो मेरा बस मेरा डॉक्यूमेंट देखती ना, मेरा मैंने अपने घर में कलमा पढ़ा है कि नहीं, मैंने क्या किया। देखिए जैसे अरब में दो खारजी लोग यानी कि इंडियन पाकिस्तानी शादी करते हैं, क्या करते हैं, इसको अरबी लोगों से कोई मतलब नहीं है। जब तक हम लोग वहां पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में जब तक हम लोग झगड़ा मारपीट नहीं करते तब तक वो कभी पुलिस नहीं आती। जैसे इंडिया में एक अमेरिकन बंदा और एक चाइनीज बंदा आके शादी करता है तो क्या मतलब है इंडियन गवर्नमेंट से? अपने घर में शादी करता है तो क्या कोई मतलब है? तो ऐसे ही सऊदी गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है कि दो खारजी आकर के वहां पे शादी कर रहे हैं वो मुस्लिम है कि नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है। अब हम अपने जब तक ही ऑफिशियली उनको इन्फॉर्म न करें
तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने ये काम ऑफिशियली नहीं किया था, तो मेरे उन लोगों की मजबूरी थी कि वो लोग जो है पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो मतलब अपने लेवल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे सारा ये कि मैं वापस मैं ये सब क्वेश्चन करने, जबकि मैंने 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 डिक्लेयर नहीं किया था कि यार मैंने डिक्लेयर नहीं किया था मैं बस कोई क्वेश्चन, तो वो अपने लेवल से चाह रहे थे बोलो कि मैं ये ऐसे क्वेश्चन करना बंद कर दूं। हाँ, आपको रोकना चाह रहे थे वो। हाँ, लेकिन अगर मैं ऑफिशियली अगर मैं चेंज हो गया होता ना वहां पे, तो फिर वो पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते। हाँ, बराबर, फिर आपके ऊपर वो अपोस्टेसी का लॉ लग जाता था ना। एग्जैक्टली, लेकिन अभी अगर वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाती ना, तो पुलिस तो आके बस मेरा डॉक्यूमेंट चेक करती ना केवल। डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो आप नॉन मुस्लिम थे। एग्जैक्टली, तो वो मुझको वहां पे फोर्स नहीं कर सकते ना, वो तो फिर उनके ऊपर चार्ज लगता है, उल्टा उनके ऊपर चार्ज लग जाता है वहां पे। और मैं जैसे बताया कि मैं अपने घर में, और मैं आपको बता दूं व्यूअर्स को कि जो मेरा निकाह था वो भी जो मेरी तरफ से जो गांव आए थे वो भी उनके लोग ही थे, क्योंकि मेरा तो वहां कोई था ही नहीं ना, मेरा वहां कौन था, आप अकेले थे वहां तो। हाँ, तो वो मेरे साइड से भी जो गवाह थे वो उनके ही थे, उनके साइड वाले गवाह भी उनके ही थे, सब कुछ उनका था। तो जो पेपर भी था उन लोगों का कारी का, वो पेपर भी तो कोई मतलब का नहीं था ना उनके लिए। बराबर, वो भी पेपर घर में बना हुआ था, उसमें कोई ऑफिशियल तो कोई स्टैंप था नहीं उसमें, वो घर में पेपर पे कोई क्या बनाता है, कोई क्या बनाता है, इससे सऊदी गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। बराबर, उनके लिए वो ऑफिशियल नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है। जब तक वहां पे आप क्या बोलते हैं जो वहां की म्यूनिसपालिटी होती है उसको, जब तक आप उसको बोलते हैं वल्दिया, हाँ उसको वल्दिया बोलते हैं वहां पे, वल्दिया जो है अरबी में उसको बोलते हैं वल्दिया, वल्दिया के लोग जब तक आप जाके वल्दिया में इन्फॉर्म नहीं करोगे कि ये बातें हैं ऐसी ऐसी चीज, तो वो फिर अपने अपने कंट्री के एम्बेसी में इन्फॉर्म करेंगे। मतलब बहुत टेडियस वर्क है ये, तो बहुत स्मॉल वर्क नहीं है ये। तो ये बातें मैंने की, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, और अगर वो मेरा वहां पे कत्ल करते तो उनका भी वहां पे कत्ल ही होना था। जैसे इंडिया में अगर आप कत्ल कर दिए किसी का, किसी एक्स मुस्लिम का, तो यहाँ पे तो फिर आपको पुलिस पकड़ेगी, आपको जेल होगी, आपको ये होगा, वहां पे सीधे कत्ल हो जाएगा उनका भी। आप अगर वो मेरा कत्ल करते तो उनका भी सीधे कत्ल ही होना था। बराबर, तो क्राइम हो जाता ना फिर, वो भी फंस जाते। हाँ एग्जैक्टली, वो भी वो बच नहीं पाते वो लोग फिर तो वो। इसलिए हम लोगों के बीच में सऊदी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन हुआ ही नहीं बाई चांस, ये बहुत बहुत लकी काम है इस चीज में कि इसमें उनका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं, और वो लोग चाह के भी नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लगा कि, तो फिर वो कहे कि नहीं नहीं मैं अपनी बहन को वापस अपने घर में लेके जाऊंगा, मैं तुम शैतान हो, तुम ये हो, तुम वो, ऐसे ऐसे लगे बोलने। फिर मतलब बात बढ़ती चली गई, तो फिर जो मेरा ड्राइवर था उसने कहा कि सर आप ऐसा करो कि वो लोग कुछ और बातें कर रहे हैं, वो लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि चलो जाने दो, जब ये इतना काफिर हुआ जा रहा है, इसने मेरी बहन की जिंदगी खराब की, ये की वो की, अब हम लोग इसको मारेंगे चाहे भले ही मुझे क्या हो जाए। तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि इस तरह की बातें मुझे सुनने में आ रही हैं, अब हो सकता है कि ये लोग मरने मारने पे आ जाते हैं लास्ट में। तो उस दिन मुझे पता चला सर कि वो भी एक्स मुस्लिम है मेरा ड्राइवर। कौन? अच्छा, यानी जितने मिलते जा रहे थे आपके नसीब में सब एक्स मुस्लिम ही मिलते जा रहे थे। मेरा ड्राइवर मतलब वो कोई मतलब एक्स मुस्लिम तो मैं इसको नहीं कहूंगा, मतलब वो मुसलमान भी नहीं था। मतलब वो कहा कि पता है आपको, अच्छा, मेरे घर में वो हफ्ते में बोल रहा था कि मेरे घर में लोग उठते हैं अजर की नमाज करते हैं, अजर की नमाज करने के बाद जोहर की नमाज की तैयारी करते हैं, फिर असर की नमाज की तैयारी करते हैं, हाँ फिर फजर असर मगरिब क्या और ईशा, बस वो नमाज की तैयारी करते रहते हैं दिन भर। कि मतलब मुसलमानों को इसके अलावा कोई काम ही नहीं दिखता बिल्कुल, पता नहीं क्या, मतलब दुनिया में सब लोग करते जा रहे हैं, बस इनको बस यही फजर जौहर असर मगरिब ईशा, बस इस ये खत्म हो गया तो इस नमाज की तैयारी, ये खत्म हो गया तो उस नमाज की तैयारी, ये खत्म हो गया पूरा दिन इसी में खत्म। मतलब कि पूरा इतना बड़ा जो एसेट है, जो हम लोग का मैन पावर है, बस इसी में जा रहा है केवल। बराबर, हाँ, तो वो यानी अगर पूरी दुनिया जो है, एक मिनट एबीजी, अगर पूरी दुनिया जो है वो इस तरीके के इस्लाम को फॉलो करे कि आपको दिन भर जो है वो अल्लाह की इबादत करना है और उसके बाद नमाज पढ़ना है
एक नमाज पढ़े, फिर दूसरे का इंतजार, फिर दूसरी नमाज पढ़े, फिर तीसरे का इंतजार, फिर चौथी नमाज पढ़े। जब अगर पूरी दुनिया ही ऐसी होती तो आज इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस ही नहीं होती, फिर वो 1400 साल पुराने ही रहते हम लोग, साइंटिफिक डिस्कवरीज भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जी। और उसने पता है उसने मुझे कहा था एक बात बहुत इंटरेस्टिंग कहा था कि अगर मतलब देखिए मेरे मुल्क में इस्लामिक कानून लागू है, देखिए क्या हालत है मेरे मुल्क की। उसने कहा कि अगर अगर इस्लामिक कानून कहीं लागू भी हो जाए ना बिल्कुल जब सख्ती से जो 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 एकदम बिल्कुल जो लिटरल इस्लाम है अगर लागू हो जाए तो किसी कंट्री के मुस्लिम भी नहीं वहां पे रह नहीं पाएंगे। उसने कहा कि मुसलमान भी नहीं रह पाएंगे उस कंट्री में अगर जो लिटरल इस्लाम है। उसने बताया कि जो लिटरल इस्लाम है तो ये बात तो मैंने उससे भी पूछा था तो उसने भी कहा कि यस अगर लिटरल इस्लाम बिल्कुल लागू हो जाएगा किसी भी कंट्री में तो वहां के मुसलमान भी नहीं रह पाएंगे। फिर कहा था कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देख लीजिए आप, सभी लोग दुबई आना पसंद करते हैं, कौन जाना पसंद करता है अफगानिस्तान में या सऊदी अरब में, कौन पसंद करता है जाना? बराबर सही बात है। हाँ जाए लोग, अगर अगर इनको बिल्कुल लिटरल इस्लाम चाहिए तो जाए सीरिया में जाए, जॉर्डन में जाए, वहां जाए लोग रहे, वहां पे इराक में जाए जहाँ पे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इस्लाम फॉलो होता है वहां जाए रहे वो लोग। क्यों ऐसे मुल्कों में रहते हैं जिस मुल्कों में अभी इस्लाम नहीं फैला वहां पे जाके ये जहर क्यों डालना चाहते हैं? तो उनका ये कहना था कि अगर अगर इस्लाम अपने बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में लागू हो जाए ना, एग्जैक्ट कुरान एग्जैक्ट हदीस, तो मुसलमान भी नहीं रह पाएंगे उस मुल्क में। अच्छा एक मिनट एपीजी, अभी हमारे सुहेल अहमद भाई है ये बोल रहे हैं कि इस्लाम इतना ही नहीं है, यानी मैंने जो नमाज की और जो बात बताई और ये कहा कि अगर हम उस तरीके के इस्लाम को अगर फॉलो करें कि दिन भर जो है वो नमाज ही पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, जिक्र और अजकार करते रहे, तो फिर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ नहीं एक मिनट, मैं इनसे एक जी जी नहीं मैं इनसे एक ये सवाल करता हूँ सुहेल भाई से, यानी आप इस चीज पे गौर करिए कि जो मैं बता रहा हूं अगर वो सही नहीं है तो आप नबी और सहाबा की जिंदगी, आप सुन लीजिए, नबी और सहाबा की जिंदगी में आप मुझे साइंटिफिक डेवलपमेंट जरा बता दीजिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी उन लोग ने बनाई थी, क्या क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स उन्होंने किए थे, क्या हमको ऐसी चीजें दी जो आज हमको आज जो टेक्नोलॉजी हमारे हमारी जिंदगी को इतनी आसान कर दी है जिसकी बुनियाद पे आप हम लोग को सुन पा रहे हो सुहेल भाई, तो क्या नबी ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, नबी और सहाबा ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाई थी क्या, कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट किया था? उनका तो वही काम था, अल्लाह की इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, जंग करते थे, जंग का माल लूटते थे, उसको आपस में बांटते थे, लौंडियां बनाते थे, उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे, उनकी पूरी जिंदगी आपको सुबह से लेकर शाम की पूरी जिंदगी यही मिलेगी। अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट आप मुझे बता दो नबी और सहाबा की जिंदगी में तो मैं मान जाऊं। नहीं आप थोड़ा तो गौर करिए ना जनाब। साहिल भाई इनसे ये कह दीजिए ना कि जो मेरे जो 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 सल्फी एक्स मुस्लिमों के जो वैलिड क्वेश्चन है उसको लेना ही है इनसे, कहिए कि यहां वहां ये ना घूमें, वो कहिए कि इनके क्या इनकी शादी होगी तो क्या इनके बच्चे कभी ब्लैक पैदा होंगे? नहीं वो तो ठीक है, जो ये जो इनका एतराज जो ये था कि जो मैंने बताया ना उसपे, वो इनका एतराज था कि सिर्फ इस्लाम इतना ही नहीं है, तो मैं इनसे इस बात ये जो इन्होंने कहा है इसपे मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि नबी और सहाबा की जिंदगी में ये मुझे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स बता दे, कितनी टेक्नोलॉजी इन्होंने दुनिया को दी है वो सब बता दे, तो आपकी बात मान लेंगे हम लोग कि नहीं ठीक है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी काम कर रहे थे साथ साथ में इस्लाम को फैलाने के अलावा, लोगों को इतनी आसानी उन्होंने दी, कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, मोबाइल फोन दे दिया और एसी दे दी, फ्रिज दे दिया। आज जितनी टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं उसमें से नबी ने क्या क्या दिया ये बता दे, मसला ही खत्म हो जाएगा। मैं सुहेल भाई से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उनके बीच में रहा हूँ कि जिनसे आप इस्लाम सीखे हो, तो आप प्लीज यहाँ वहाँ की बातें ना घुमाओ मुझे जिनसे आप ठीक है। ये वाक्य मेरे सामने हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप लोग इस्लाम उनसे सीखे हो, आपको नबी और अल्लाह के बारे में उन लोगों ने बताया है जी। तो आप मैं तो उन लोगों के बीच में रहा हूँ ना फिर। बराबर ठीक है आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। कोई बोलना है कि आपके बच्चों वाला आर्गुमेंट ठीक है, वो बाकी आर्गुमेंट देखिए ना, ठीक है बाकी आर्गुमेंट देख लीजिए, बाकी बाकी पे गौर करिएगा।
अपने हिसाब से समझने दीजिए, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, नहीं तो वो फ्लो रुक जाएगा बीच में। तो फिर हाँ, फिर मैं वो ये मुझे बताया कि यार इस तरह की बातें हो सकती हैं आपके साथ, तो आपको, तो फिर मैं वहाँ पे अपने जो मेरा जो फ्रेंड था इजिप्शियन, उससे मैंने कहा कहा कि देखिए ये तो प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन पूछोगे तो ये सब तो हो सकता है, मैं आपको उससे कैसे सेव करूं, अगर वो सब इस पे मरने मारने पे आ जाएंगे तो मैं आपको सेव नहीं कर पाऊंगा उससे। तो मैंने कहा यार तुमने ये सब क्या कर दिया, मतलब क्यों ऐसा करा, कि आप क्या आप इससे आपको तकलीफ हुई ये सच्चाई जान के। तो मैं कहा देखिए, तो फिर मैं आके घर पे एक बार, जानते हैं क्या कहा लास्ट में, मैं लास्ट में घर पे आके ये बात कहा कि यार देखो मैं मुसलमान रहने को तैयार हूँ, आप बस मुझे ये मत कहना कि ये कायनात के बनाने वाले का कंप्लीट फॉर्मेट है। बस मैंने उनसे कहा कि आई एम होल लाइफ, मैं जो आपका सिस्टम है सब मैं करूंगा, बस मुझे ये, मुझे मुझको मत मत मुझको प्रेशर करना कि ये, मतलब ये बिलियंस ऑफ गैलेक्सी बनाने वाले का ये सब सिस्टम है, मैं इसको नहीं मान सकता। तो वो कहे कि नहीं यही तो मानना है, चाहे और कुछ करो या ना करो ये मानना पड़ेगा। अच्छा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं कहा कि मैं हाँ सब हाँ कुछ करने समझा। को तैयार हूँ, मैं सब कुछ करूंगा, मैं पूरी लाइफ वो आपका 5 टाइम ये जो नमाज हुआ सब मैं करने को तैयार हूँ, बस मैं एक चीज नहीं मानूंगा हाँ वो है कि ये ट्रिक ऑफ यूनिवर्स का है। मैं ये इतना सबूत मिलने के बाद मैं कैसे मान लू, इतना बड़ा झूठ मैं, हाँ आप पचा के बैठ बैठ सकते हो, मैं नहीं पचा सकता इतना बड़ा झूठ। मैंने कहा कि मैं इतना बड़ा झूठ नहीं पचा सकता, मैं रहूंगा, मैं पूरी जिंदगी में इस्लाम करूंगा, मैं रहूंगा, मैं अपना आरबी नाम बताऊंगा तो ये लोग क्या बोलते दंग रह जाएंगे ये लोग। मैं कहा ठीक है मैं सब कुछ करूंगा, मैं जो आपका सिस्टम है, मैंने वो खाना खाया है कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकता, अभी बातें कहीं और घूम जाएंगी, ये लोग मुझसे क्या बात करेंगे, जिस खाने पे यहाँ पे जंग हो जाती है इस मुल्क में, मैं वो खाने खा चुका हूँ, हाँ बस मैं आपसे ये इतना शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। तो मुझसे ये लोग ना बराबर। पूछे ये लोग कि क्या है क्या, तो मैं वो सब कुछ के लिए रेडी था, बस मैंने उनसे कहा कि प्लीज प्लीज मुझे आप ये ना कहें। वो कहा नहीं यही बस करना है, और चाहे तुम करो या ना करो। तो मैं कहा इतना होने के बाद मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज को। बस यहीं से भाई भाई बात ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर तो वो फिर कहे कि हाँ नहीं ये तो फिर ये काफी हो गया, ये इसको मानना पड़ेगा ये वो। तो मेरे 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 फ्रेंड मेरे मेरे ड्राइवर ने कहा कि सर सिचुएशन बिगड़ सकती है, आप यहाँ से निकले, ये भले भले ही इनको यहाँ पे पुलिस पकड़ लेगी, इनको भी फांसी हो जाएगी, इनका भी कत्ल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको मार दें। तो फिर मैंने आकर के अपने घर में बोला, तो जो मेरी फर्स्ट वाइफ थी तो उसको मैंने बोला, तो उसने कहा कि तो पहले तो नाना बोले थे, लेकिन बताया मैं आपकी, वो इतनी बातों को मानने वाली थी कि वो रेडी हो गई मेरे साथ आने के लिए इंडिया। हाँ वो रेडी हो गई मेरे साथ इंडिया आने के। तो उसने कहा कि ठीक है आप अच्छा। निकल गए, तो उसका उसका पासपोर्ट था पाकिस्तानी, तो उसको पहले यहाँ का क्या बोलते वीजा लेना पड़ता ना इंडिया का, तो लेकिन हाँ वो मतलब वो रेडी हो गई। और जो सेकंड थी उसने कहा कि आप लोग पहले निकले, पहले वहां पे सेट करें तो मैं आऊंगी फिर। यानी दोनों तो बीवी आपकी, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ व्यूवर्स को, जिनको ये थोड़ी सी स्टोरी मैं बता देता हूँ कि इन्होंने जब ये सब सवाल करना शुरू किया तो इनके घर में प्रॉब्लम होने लगा, और इनके ड्राइवर ने भी बताया कि आपके बारे में ऐसी प्लानिंग हो रही है कि आपको मार दिया जाएगा। तो इनको फिर वो बाकी लोगों ने भी सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप इंडिया चले जाओ, वहां सेफ्टी आपको रहेगी, यहाँ सेफ नहीं हो आप। तो इन्होंने अपनी बीवियों से बात किया कि हम लोग एक काम करते, इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनकी जो दोनों बीवियां थी वो मान गई कि हम लोग आएंगे। तो एक बीवी तो साथ में चलने के लिए रेडी थी, और दूसरी बीवी ने कहा कि ठीक है आप है ना पहले इंडिया चले जाओ, वहां पूरा सेटल करो आप, यानी सेट करो, घर वीर का बंदोबस्त करो, उसके बाद मैं भी आपके साथ आ जाऊंगी। लेकिन अब जो जो बीवी तुरंत उनके साथ चलने के लिए रेडी थी, वो चूंकि पाकिस्तानी थी तो उनका पहले वीजा वीजा बनाना पड़ता है इंडिया में। तो इन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है मैं पहले जाता हूँ, और उसके बाद फिर ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको बुलाता हूँ। तो ऐसी ये स्टोरी इनकी, चलिए आगे ये बताएंगे।